बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मैनचेस्टर बरतानिया से हमारे ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से मैनचेस्टर के मकामी हॉल में क्रिएटिव माइंड्स मीडिया की चेयरमैन फरजाना अफजल और ब्रिनेज बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सीमा शेख की जानिब से अशाइये के साथ महफिल मौसीकी का खसूसी एहतमाम और CMM की सालगिरह की मुनासिबत से केक भी काटा गया, जिसमें कम्युनिटी की सरकर्दा खवातीन कौंसल जनरल तारिक वजीर खान की अहलिया नसरीन, आलिया हाशमी, सादिया वड़ाइज, ब्रिनेज बॉडीज, साद शेख, सायरा साजिदा, मिसेज इकबाल सदीकी, रुबीना राजा, साबिरा नहीद चौधरी, बेगम एजाज अफजल शेख की खसूसी शिरकत। फलस्तीन गजा के शहदा के लिए एक मिनट की खामोशी की गई। इस मौके पर मिसेस तारिक वजीर खान का कहना था कि खवातीन को हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितने भी मुश्किल तरीन हालात हों, हमें खवातीन के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। So yeah, this is the day for us. So we have to keep shine, keep growing, keep going, whatever the situation is, we never lose the hope. And I'm really happy to see so many ladies over there, and they are here today to celebrate each other's success. So yeah, that's a good thing that we are here to motivate each other, to promote each other, to support each other. So this is the good thing for all of us. And my message is that we have to stay united, and yeah, work together for a better future for the mankind in general, but also for the relation like between Pakistan and United Kingdom in particular. So yeah, enjoy the rest of the evening and happy International Women's Day to all of you. Thank you so much. क्रिएटिव माइंड्स मीडिया की चेयरमैन फरजाना अफजल का कहना था, पहली बार खवातीन की फलाह बहबूद के लिए कायम दो तंजीमों ने मिलकर खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। इससे पैगाम दिया कि हम मिलजुल कर काम करने पर यकीन रखते हैं। हमने क्रिएटिव माइंड्स मीडिया CMM फरजाना अफजल और मेरे साथ हैं सीमा शेख फ्रॉम ब्रिनेज बॉडीज की CEO है। सो वी आर टू वुमेन ग्रुप टुगेदर, सो दिस इज आवर फर्स्ट कोलैबोरेटिव इवेंट एंड वी हैव एक्चुअली सेट एन एग्जांपल दैट टू वुमेन ग्रुप कैन वर्क टुगेदर इन मैनचेस्टर इन UK। सो दिस इज अ बिग एग्जांपल ऑफ सपोर्टिंग वुमेन सपोर्टिंग एलिमेंट एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू पे ट्रिब्यूट ऑल द इनक्रेडिबल एग्जांपल। रुबीना खान और आलिया हाशमी का कहना था कि हम खवातीन को मुआशरे का अहम हिस्सा बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। स्पेशल डे आज से सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर, और फरजाना ने इसको अरेंज किया है और सीमा शेख ने इसको अरेंज किया है। बहुत मजा है, बहुत मिशिक भी होना है, बहुत सारा फूड भी होना है, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट एंड एम्पावर हैं लेडीज जहाँ भी हो दुनिया की। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसमें बर्निश पटीज और CMM ने मिलकर ये प्रोग्राम का अरेंज किया है। और एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है इसी चीज़ के लिए किया जाता है, और हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो औरतें हैं जो लेडीज़ की एम्पावरमेंट के लिए, और यही काम बर्निश पटीज भी कर रही है। क्रिएटिव मीडिया माइंड के प्लेटफॉर्म से भी यही काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें डिफरेंट औरतों को डिफरेंट टॉपिक्स को लेके उन्हें अवेयरनेस दी जाती है। और इनके जो साजिदा साबिरा नहीद ब्रिनेज बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव सीमा शेख का कहना था, मुआशरे में खवातीन को ताकतवर बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है कि उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हों। First of all, I would like to congratulate Farzana and CMM for their first anniversary. It's been great working with Farzana and her team to make this event possible. Welcome to our event. Hope you all have a wonderful evening. आज हम यहाँ पर रुबीना राजा और साहिरा पोनावाला
बेगम इकबाल सदीकी ने भी खवातीन के आलमी दिन को शायाने शान तरीके से मनाने को खुशाइन कहा। अस्सलाम वालेकुम, हमने आज वुमेन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए परमिट पडीज और सीएमएम ने कोलैबोरेशन करके एक फंक्शन अरेंज किया है और सब जो कम्युनिटी की लेडीज है उधर आई हुई है, तो खाना है, यहाँ पे म्यूजिक होगा, जस्ट लेडीज ओनली इवेंट है टू सेलिब्रेट वुमेन। आज हम यहाँ आए हैं ये सीएमएम वालों की अवेयरनेस बढ़ी फर्स्ट एनिवर्सरी है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब लेडीज इंजॉय कर रही हैं और हम चाहते हैं आगे फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम जो जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा पूनावाला है और आज हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए एक सेलिब्रेशन रखा था जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हम यहाँ मैनचेस्टर में मना रहे हैं। सीएमएम की तरफ से हमने ये प्रोग्राम रखा था और बहुत सारी हमारी कम्युनिटी की औरतें आई हैं, बहुत लोगों ने अटेंड किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है, हमने औरतों से बातचीत भी करी है और हमने एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड किया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में शरीक दीगर खवातीन का कहना था कि खवातीन के लिए खसूसी तौर पर ऐसी तकरीबात का इनेकाद हमें एक दूसरे से मेल जोल के साथ बाहमी हम आहंगी और मजबूत रिश्ता इस्तवार होता है। खवातीन के रंग बिरंगे मलबूसात और देसी म्यूजिक के तड़के ने माहौल को मजीद रंगीन बना दिया। असी इकट्ठे मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा, थैंक यू सो मच, इतने सारे लेडीज आई हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक जी, हाँ जी, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और ये इनकी एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन है बनी पटेल के नाम से, ये आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन। और ये इस्लाम, आपको पता है यहाँ पे राइट्स तो बहुत है वुमेंस की दुनिया में, हर जगह है, इस्लाम में तो बहुत ही ज़्यादा है और इस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, एक औरतों की पावर दिखाने के लिए ये कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उनकी हेड है बनेज बडीज की और एक मेंबर हूँ और आज हमारा जो है फरजाना अफसर का जो है सीएम उनके साथ कोलैबोरेशन में हमारा वुमेंस डे के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है एंड हम लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है मीटअप की, एक सोशलाइजिंग की, एक रेस्ट होने की एंड इट्स वेरी गुड टू सी ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल आवर फ्रेंड्स मैनचेस्टर में बसने वाली एशियाई कम्युनिटी ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद करके अक्वामे आलम को पैगाम दिया कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में उनका किरदार मरकजी अहमियत का हामिल है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।